देखिए, सुबह सवेरे से ही जो ईडी की टीम थी वो जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर जो छापेमारी थी वो कर रही थी, और अब कई जो महत्वपूर्ण कागजात हैं वो ईडी के हाथ में लगे, जिसके बाद बड़ी खबर आरा से निकलकर सामने आई, जहां राधाचरण सेठ को ईडी द्वारा हिरासत में ले लिया। आसान शब्दों में कहें तो जिस चीज़ को लेकर छापेमारी की जा रही थी उसमें गड़बड़ी पाए जाने के बाद राधाचरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब उन्हें उनके आरा के फार्म हाउस से लेकर जो ईडी की टीम है वो पटना ईडी दफ्तर पहुंच रही है। यानी कि जेडीयू एमएलसी को आज की रात जो है इसी कार्यालय में बितानी होगी। ये जो कार्यालय है ईडी का, यहीं पर राधाचरण सेठ को रखा जाएगा, और बताया जा रहा है कि देर रात तक जो पूछताछ है वो भी की जाएगी। निश्चित तौर पर सुबह 7 बजे से ही जो ईडी की टीम है राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। जो मामला था वो ब्रॉडसन और आदित्य कंपनी से जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी 3 महीने पहले ईडी की जो टीम है उनके द्वारा जो छापेमारी है वो जेडीयू एमएलसी के कई ठिकानों पर की गई थी, और अब इन दोनों कंपनियों से जुड़े मामले में बता दें आपको कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में कई ठिकानों पर जो छापेमारी है वो की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब जो ईडी की टीम है राधाचरण सेठ को लेकर पटना आ रही है, और पटना में जो ईडी का कार्यालय है यही उनको रखा जाएगा। आज की रात जेडीयू एमएलसी को यहीं बितानी होगी। बड़ी मशक्क़त, क्योंकि लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की जो पूछताछ थी वो की गई थी। वहीं जून के महीने में जब ईडी ने छापेमारी की थी उस दौरान बालू से जुड़ा जो मामला था उसमें ये कार्रवाई की गई थी। उस दौरान भी टैक्स चोरी से जुड़ा मामला निकलकर सामने आया था। उस दौरान भी कई जो कागजात थे वो पकड़े गए थे, मोटी रकम घर से बरामद की गई थी। उस दौरान लगभग जो पूछताछ थी वो भी 17 घंटे की रही थी। उस दौरान जेडीयू एमएलसी और उनके बेटे दोनों लोगों से जो ईडी द्वारा पूछताछ थी वो की गई थी। लेकिन अब जो बड़ी कार्रवाई के बीच अब जेडीयू एमएलसी को ईडी की टीम पटना लेकर किसी भी वक्त पहुंचेगी। जो अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि राधाचरण सेठ से भी बात करें कि आखिर किन मामलों में ये जो छापेमारी है वो की गई, क्या उनका कहना है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जीरो करप्शन नीति पर काम करते हैं, अगर उनके ही पार्टी के एमएलसी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। बता दें आपको कि जो बैकग्राउंड रहा है एमएलसी राधाचरण सेठ का, जलेबी बेचा करते थे, और वो बिजनेस जब आगे बढ़ा तो उन्होंने होटल का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बालू के व्यापार में घुसे उस, और वहाँ से वो करोड़पति बने। और अब जब टैक्स चोरी जैसे मामले उन पर लगे, ईडी ने छापेमारी की, और ब्रॉडसन जिस कंपनी में उनका नाम है, शेयर है, आदित्य जिस कंपनी में उनका शेयर है, इस कंपनी से जुड़े जो भी दफ्तर थे वहाँ पर छापेमारी की गई। बता दें आपको कि इसी कंपनी में राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता सुभाष यादव का भी नाम है। अब देखने वाली बात होगी कि जब राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी हुई है तो इससे और भी कौन से तार जुड़ते हैं और कितने लोगों के ऊपर जो गाज है ईडी की वो गिरेगी। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई, और बिहार से जो बड़ी खबर है वो ये कि सत्ता में मौजूद जो दल है जेडीयू, उसके एमएलसी की जो गिरफ्तारी है वो ईडी ने की है, और मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।